कबीर नगर लोहागल रोड पर रहने वाले एक परिवार ने पड़ोस में रहने वाले घिसुनाथ गणपतनाथ के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर जान माल की रक्षा और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की मांग की है। पीड़िता ने अपनी पुत्रियों के साथ पुलिस अधीक्षक महेंद्र चौधरी से मुलाकात कर आप बीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले घिसुनाथ और गणपतनाथ ने नाबालिग बेटी को रास्ते में रोककर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और विरोध करने पर मारपीट और अश्लील हरकतें शुरू कर दी। बीच बचाव में आए लड़की के भाई और अन्य परिजनों से भी जमकर मारपीट की गई। आज बुधवार को सुबह आरोपी घिसुनाथ जगदीशनाथ गणपतनाथ दोबारा से घर आए और बेटी के साथ दुराचार की कोशिश की, साथ ही परिवार पर हथियारों से हमला कर दिया। जाते जाते पूरे परिवार को जान से खत्म करने की धमकियां भी दी। दहशत ज्यादा परिवार ने पुलिस के आला अधिकारियों से जान माल की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। पुराना केस है, कोई उसके भाई वगैरह लगते हैं रिश्ते में, तो मतलब वो कह रहा है कि राजीनामा कर लो, हमने मना कर दिया तो मारपीट करने लग गया। पुराना मुकदमा कौन सा है, कब का है? राजूनाथ है, उनके परिवार में ही, मतलब बहन, मेरी बहन है ना छोटी, उसको गाड़ी में बिठा के जबरदस्ती लेके जा रहे थे, तो इस चक्कर में वो 4 महीने जेल में भी रह के आया है। बहन कितने साल की है आपकी? 16 साल की। रात को घर पे आए, जबरदस्ती मुझे बाइक पे बिठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे गणपतनाथ और घिसुनाथ, तो मैं मतलब जैसे तैसे करके बाइक पे से नीचे गिर मतलब उतर रही थी ना, तो साइलेंसर वगैरह चिपक गया मेरी गाड़ी का, पैर जल गया। फिर वो तो भाग गए उस टाइम, तो फिर सुबह वापस लड़ाई झगड़ा करने लग गए, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरा पत्थर से सिर भी फोड़ दिया। शादी समारोह में आए अलवर निवासी युवक ने अपने ही रिश्ते की 8 वर्षीय भतीजी के साथ दुराचार का प्रयास किया। मामले में अलवरगेट थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवरगेट थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी स्थित समारोह स्थल में गत 21 जून को शादी समारोह में शिरकत करने आए अलवर जिले के राजगढ़ निवासी हरिमोहन गुप्ता ने अपने ही रिश्ते की भतीजी को नई नवेली भाभी से मिलवाने के बहाने ले जाकर जबरन उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। 8 वर्षीय मासूम बच्ची जैसे तैसे उसके चंगुल से बचकर बाहर आई और अपने परिजनों को इसकी शिकायत की। परिजनों को घटना की सूचना मिलने की खबर पाकर आरोपी हरिमोहन वहां से भाग छूटा। परिजनों ने बुधवार को अलवरगेट थाने में आकर मासूम के साथ हुए वाके की शिकायत की। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच प्रशिक्षु आईपीएस गौरव यादव कर रहे हैं। यादव ने मासूम बच्ची के बयान दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। यहाँ पे हमारी सिस्टर रहती है, उनकी शादी थी। शादी 21 तारीख की थी, हम लोग 19 तारीख की रात को आए थे। मेरी बेटी वगैरह डीजे पे सब डांस कर रहे थे। हमारे मिलने वाला जो हमारे मामा जी का लड़का है हरिमोहन गुप्ता निवासी राजगढ़, वो मेरी बेटी को हाथ पकड़ के लेके गया कि तेरे को तेरी भाभी से मैं मिलाता हूँ, नई वाली भाभी से। वो मेरी बेटी को ऊपर जो बाथरूम बनाया है सीढ़ी चढ़ के लेके जा रहा था, तो उसने मेरी बेटी को बाथरूम में लेके गया और उसके साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करी, तो मेरी बेटी ने एकदम उसको पता नहीं कोई धक्का सा मारा और एकदम से नीचे आई, और आई तो वो रोते हुए एकदम में से आई।